नमस्कार, मेवाती दवाखाना आज आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएगा, अगर इसको आपने कुछ दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो शरीर है उसमें हाथी जैसी ताकत आ जाएगी, आपके आजू की ताकत घोड़े जैसी हो जाएगी, आपका शरीर काफी मजबूत और कठोर हो जाएगा। जिस घरेलू नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ आप देख रहे हैं, यह है हल्दी। हल्दी से ही इस ट्रिक को आपको बनाना है। पहले मैं आपको बता दूं कि हल्दी क्यों जरूरी है। इसके लिए हल्दी को हम डेली सब्जी में डाल के अपने घर पे खाते हैं, लेकिन हम इसके बहुत सारे और गुण हैं जिनको हम जानते नहीं है। हल्दी की अगर मैं बात करूं तो हल्दी में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे पूरे शरीर को हर एक बीमारी में काम आने वाला चीज होता है, हर एक बीमारी में काम आता है करक्यूमिन। ये है करक्यूमिन। और हल्दी की अगर बात करूं तो हल्दी में 2% करक्यूमिन होता है। अगर 1 किलो आपने हल्दी ली तो उसमें 20 ग्राम करक्यूमिन है, तो आप अंदाजा खुद ही लगा लें कि हल्दी कितनी जबरदस्त है। और इसीलिए हम इसको मसाला में डेली खाते हैं। जो तरीका आज मैं हल्दी का आप लोगों को इस्तेमाल करने का बता रहा हूँ, इसको सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे कि इससे पहले तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं। इसके लिए आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, डेली आपको एक ही गांठ लेनी है और इसको बारीक पीस लेना है। जब आपने इसको बारीक पीस लिया है तो अब आपको इसके लिए लेना है 250 ग्राम के आसपास दूध। ये पिसा हुआ हल्दी अब इसमें आपको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा छान के इसी तरीके से आपको इसको कंटिन्यू पीना है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक। हालांकि 1-2 दिन आपको सही लगेगा, बाद में फिर ये पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा ही। जो लोग हल्दी को पीस कर मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ IMC कंपनी की श्री हल्दी। यह भी जिस तरीके से आप हल्दी को पीसेंगे यह भी उसी तरीके से काम करती 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू और लगातार इस्तेमाल करता आ रहा हूं। बेहतर तो यही है कि आप हल्दी को पीसे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं पीस सकते हैं तो इस तरह लिक्विड की फॉर्म में यह होता है, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए आपको यह करना है, पहली वाले मैटर में आपने दूध लिया था, इसमें आपको दूध नहीं लेना है। इसमें आपको 200 ml के आसपास पानी लेना है। हालांकि दूध भी ले सकते हैं लेकिन पानी लें तो इसमें ज़्यादा बेहतर रहता है। और 1 से 2 बूंद, 3 बूंद तक भी डाल के इसी तरीके से आपको पीना है।